आसमान पर पहुंची कीमतें अगले हफ्ते लगाम लग सकती हैं। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने महंगे प्याज से निकले जनता के आंसू पहुंचने के लिए प्याज का आयात किया है। विदेश से 1.1 लाख टन प्याज 10 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे भारत में। सरकार ने ये प्याज 52 से 55 रुपये प्रति किलो में मंगवाया है। मंगलवार को मुंबई में प्याज की कीमतें 120 रुपये प्रति किलो तक हो गई थी। देश में प्याज की कुल उपज का करीब 30% हिस्सा महाराष्ट्र का है। बेमौसम बारिश के कारण प्याज की उपज पर इस साल बहुत बुरा असर पड़ा। पिछले साल महाराष्ट्र में प्याज की कुल उपज 80.47 लाख टन थी, जो इस साल 65 लाख टन रह गई। यहाँ इस साल प्याज की उपज 15.47 लाख टन कम हुई है। मुंबई के JNPD बंदरगाह पर 10 दिसंबर को प्याज की 1160 टन की पहली खेप उतरेगी, जिसे देश भर में भेजा जाएगा। 17 दिसंबर तक 14,050 टन, 24 दिसंबर तक 20,030 टन और 31 दिसंबर तक 14,050 टन प्याज मुंबई आएंगी। देश के दूसरे राज्यों के बंदरगाहों पर भी विदेशी प्याज उतारी जाएंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक लोगों को राहत मिलेगी। जो ये प्याज की कीमतें बढ़ रही थी, प्याज की कीमतें कम होंगी। कहा जा रहा है जहां 120 रुपये प्रति किलो प्याज की दाम चल रहे हैं, जब ये प्याज विदेशों से आ जाएंगी तो तब उस प्याज की कीमतें 52 से 55 रुपये किलो हो जाएगी। SPN 9 न्यूज़ से नाजमिन की रिपोर्ट।